सबसे पहले सवाल हम लेते हैं इंजीनियर फारूक साहब जो इस्लामाबाद से हमें सवाल करते हैं कि ज़िंदगी में वरासत की तकसीम कैसे होगी। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों में वरासत को तकसीम करना चाहता है तो उसका क्या सिस्टम होगा? क्या वही अहकाम जो वरासत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं वही लागू होंगे? यानी बेटों का हिस्सा है, बेटियों का हिस्सा है, माँ बाप का हिस्सा है, दीगर वरासा का हिस्सा है, तो क्या उसी तरह तकसीम होगा या ये कोई और तकसीम होगी? देखिए, जहाँ तक वरासत के अहकाम का ताल्लुक़ है तो वो इंसान के मरने के बाद लागू होते हैं। हमेशा वरासत इंसान का माल, वारिसों का माल तब बनता है जब इंसान दुनिया से चला जाता है। जब तक वो ज़िंदा है उसका माल वरासत नहीं बन सकता किसी के लिए। हाँ, वो खुद दे सकता है किसी को, लेकिन अगर वो अपनी औलाद में उसे तकसीम करेगा तो बराबर बराबर तकसीम किया जाएगा। वो जो वरासत की तकसीम होती है कि बेटों को डबल और बेटियों को सिंगल, ये तकसीम यहाँ नहीं होगी। दुनिया में, ज़िंदगी में अगर कोई शख्स अपनी औलाद को देना चाहता है तो उसे हिबा कहा जाता है। हिबा में सारी औलाद बराबर होती है और उसकी दलील सही बुखारी में 2587 नंबर हदीस है, 2587 नंबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी बशीर रदी अल्लाहु अन्हो आए और उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं अपने बेटे नुमान को कुछ देना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या अकुल्ला वालादी का नहलतहू मिसला हाजा? और ये जो रिवायत मैंने नंबर बताया है उसके अल्फाज हैं, आतईता साइरा वालादी का मिसला हाजा, क्या आपने अपनी सारी औलाद, बाकी औलाद को भी इस तरह तोहफा और हिबा दिया है जो अपने इस बेटे को देना चाहते हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, नहीं, मैंने तो इसी बेटे को देना चाहा है और मेरी बीवी ने मुझे कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह बना लो, मैं तो इसलिए आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो और औलाद के माबैन अदल करो। यानी औलाद को अगर आप हिबा देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ देना चाहते हैं, तो सारी औलाद को, बेटों और बेटियों को बराबर दो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर का तकाज़ा है। अगर इसके खिलाफ वर्जी करोगे तो ये तकवे के मुनाफी होगा और अल्लाह की नाफरमानी होगी। फ़राजा फ़रद्द अतियतहू, सैयदना बशीर रज़ी अल्लाहु अन्हु वापस गए और ये तोहफ़ा वापस कर लिया, यानी अपने बेटे को नहीं दिया जो वो देना चाहते थे। बाज़ दीगर अहादीस जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की हैं, इसी हदीस की दीगर सनदें, दीगर तुरुक हैं, उनमें मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं जिनमें बड़ी सख्ती भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज भी हैं कि क्या तुम मुझे जुल्म पर गवाह बनाना चाहते हो? और एक हदीस में तहदीदन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धमकाने के लिए और डराने के लिए, वईद के लिए ये अल्फाज भी इरशाद फरमाए कि जाओ किसी और को गवाह बनाओ जाके, मैं गुनाह पर और जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। तो ये हदीस बताती है कि ज़िंदगी में अगर आपने अपनी औलाद में कुछ तकसीम करना है तो सब बराबर बराबर के हकदार होंगे, सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा, कहीं ज्यादती आप नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत है, अगर दूसरे जो वारिस हैं या दूसरी औलाद है वो अगर रजामंद है, वो कहती है कि हमारा फलां भाई या हमारी फलां बहन बहुत गरीब है, उसके हालात बहुत तंग हैं, हम बिल्कुल दिलो जान से इस बात पे राजी हैं कि आप उसे फलां चीज़ दे दें, हमें उसका कोई तकाजा नहीं है, तो तब दी जा सकती है। या वालिद जो है या वालिदा, वो अपनी औलाद को में से किसी एक को उसकी गुर्बत या मुफलिसी की वजह से कुछ देना चाहती है, या उसके हालात के मद्देनज़र कुछ उसको हिबा करना चाहती है, या बाप चाहता है, तो अपनी औलाद को बिठा कर उनसे अच्छी तरह से खुलकर मशवरा करें और उन्हें कहे कि आपको कोई एतराज़ है तो आप बताएं, मैं इस वजह से इसको थोड़ा माल देना चाहता हूँ। अगर वो समझता है कि औलाद बज़ाहिर बोल नहीं रही लेकिन दिल में वो इसको पसंद नहीं कर रही, तो तब भी ऐसा काम ना करे। और अगर सारी औलाद बखुशी इस चीज़ की इजाज़त देती है तो औलाद में से किसी एक को हिबा किया जा सकता है। वो गोया औलाद ने अपना हिस्सा भी अपने उस भाई या बहन को हिबा कर दिया है। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया अगर बाप या माँ किसी एक बेटे या बेटी को देना चाहती है, अगर 5 बेटे बेटियाँ हैं तो उनको 20-20 हज़ार आएगा,
तो अगर वो मशवरा करता है और औलाद कहती है कि हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारा हिस्सा भी आप उन्हें दे दें, तो गोया अपना 20-20 हज़ार भी उन्होंने अपनी उस बहन या भाई को दे दिया, तो इस सूरत में जायज़ होगा। दूसरी सूरत में बिल्कुल जायज़ नहीं। जब इंसान अपनी औलाद में, अपनी ज़िंदगी में कुछ तकसीम करे तो सबको बराबर बराबर तकसीम करेगा।